जीते रहो पुत्र जी, जिंद रहो, जिंद रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बाबूजी, आज तो विशाल को स्पेशल आशीर्वाद दीजिए। दादाजी, विशाल का रिश्ता तय हो गया है। ओहो बाबूजी, वही कुड़ी नाल जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था, याद है? अरे वाह, मुबारक हो पुत्र, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई वाह, भाई वाह वाह। अच्छा, ये कुड़माई कब दी है? जी वैसाखी के दिन की। वैसाखी का दिन जी, बड़ा शुभ दिन, बहुत शुभ दिन। उस दिन इसकी सगाई तो त्योहार में रंग भर देगी। तू खुश है ना पुत्र? खुशी को मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, तो लड़की का नाम खुशी है। वाहेगुरु हमारा परिवार खुशियों से भर दे। पुत्र जी, बाकी लोगों को भी तो खुशखबरी दो। जी हमने सोचा पहले आपका आशीर्वाद ले लें, फिर सबको बताएंगे। ओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ मेरे तीनों पुत्र कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। पर क्या बात है बाबूजी, आप खुश नहीं लग रहे? कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई गम जरूर होता है। पर बाबूजी, इस खुशी के पीछे कौन सा गम छुपा हुआ है? जिसकी शादी सबसे पहले होनी चाहिए थी वो घर में बैठी। मैं दीपिका की बात कर रहा हूं। भगवान करे उसे भी एक अच्छा लड़का मिल जाए और उसकी भी शादी हो जाए, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचे। हाय मेरी जिंदगी की खुशी, क्या हुआ इतना टाइम लगा दिया? कम ऑन डार्लिंग, इससे जल्दी आने के लिए हमें एक हवाई जहाज खरीदना पड़ेगा। अरे देखो तो, इतनी लाल कैसे हो गई? तू तो रात भर जागती अपने सपनों की राजकुमार के बारे में सोच रही थी, राइट? क्यों, फोन पर विशाल बहुत परेशान कर रहा था क्या? श्रुति, तू भी इससे मिल गई? धीरे बोलो, जब माँ की आरती ऊंची हो जाए तो हमें हमारी आवाज नीचे कर लेनी चाहिए। अरे आ गई तुम दोनों। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। ना बेटा, आज मेरा व्रत है। लेकिन मम्मा आप व्रत क्यों? मैं जानती हूँ कि खुशी की शादी के लिए आप हर सोमवार को व्रत रखा करती थी, लेकिन अब तो इसकी शादी फाइनल हो गई है, तो अब व्रत क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ खुशी की शादी के लिए ही नहीं, बल्कि मेरी तीनों बेटियों की शादी के लिए व्रत रखती हूँ। जब तक मेरी तीनों बेटियां ब्याह नहीं जाती तब तक मैं व्रत रखूंगी। मेरे लिए तुम तीनों में कोई फर्क नहीं है। तब तो आपका व्रत बहुत लंबा चलने वाला है माँ। क्योंकि ये दोनों शादी करना तो क्या, सुनने को भी तैयार नहीं है। चुप, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। जानती है ये सुनकर एक माँ को कितना दुख होता है? हर माँ का अरमान होता है कि वो अपनी बेटियों की शादी करके उन्हें उनके ससुराल विदा करे, तभी उसे मुक्ति मिलती है, तभी वो शांति से अपने जीवन को त्याग सकती है। मम्मा प्लीज, ऐसी बातें मत कीजिए जिससे हम सबको दुख पहुंचेगा। आप जानती हैं आपके बगैर, आपके प्यार के बगैर हम सब नहीं जी पाएंगे। बाबूजी, मैं और रक्षा तुषार के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है पुत्र जी। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात वो होगी जब तुम मुझे दीपिका की शादी की खबर सुनाओगे। बाबूजी, दीपिका की शादी की आस हमने छोड़ी नहीं है, कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी आप जानते हैं ना, तुषार के कुंडली में गुरु सातवें घर में है और उसकी शादी उसी लड़के से हो सकती है जिसकी कुंडली में गुरु तीसरे घर में हो। और बाबूजी, ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है। और जो लड़की हम देखने जा रहे हैं उसकी कुंडली तुषार की कुंडली से मेल खाती है। अगर ये रिश्ता हो जाए तो लड़का और लड़की दोनों के लिए बहुत अच्छा है।
अच्छा तुमने लड़की और उसके खानदान वालों के बारे में कुछ पता किया है ना? अब तक तो जो भी पता किया है सब अच्छा ही अच्छा सुनने को मिला है। हमारे पास उसकी तस्वीर भी है, ये देखिए। बाबूजी मैं दफ्तर। हाँ पुत्र आ, बड़े ठीक वेले आया तुम। लगता है सबके संयोग बैठने का वक्त आ गया है। विशाल का रिश्ता तय हो गया और अब तेरे भाई और भाभी तुषार के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये देखिए लड़की की तस्वीर है। बाबूजी इसको तो मैं जानता हूँ। क्या? अच्छा। हाँ जी, ये श्रुति है, विशाल की मंगेतर, खुशी की सहेली। बड़ी नेक और समझदार लड़की है। मैं तो कहता हूँ आप लोग फौरन हाँ कर दो। अच्छा 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 भाभी, मैं दफ्तर के लिए निकलता हूँ। आप? वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा शगुन है जी। चारों तरफ से लड़की के बारे में सब अच्छा ही अच्छा सुनने को मिल रहा है। वाहेगुरु करे रिश्ता पक्का हो जाए। जाओ पुत्र जी जाओ, शुभ काम में देर ना करो। अच्छा भाभी चलते। अरे सुनो बैठो एक मिनट। देखो लड़की वालों को ये मत बताना कि विशाल और तुषार चचेरे भाई। क्यों? अरे भाई वाहेगुरु ना करे किसी वजह से ये रिश्ता पक्का ना हो तो हमारी तरफ से उनका दिल मैला हो जाएगा और फिर उसका इस रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। जी ठीक है बाबूजी। अरे श्रुति तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हजार दफा कह चुकी हूँ लड़के वाले कभी भी आ जाएंगे। मैं भी आपसे हजार दफा कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मतलब नहीं करना चाहती। देख बेटे हर लड़की को जीवन में शादी तो करनी ही पड़ती, तो फिर समय पे क्यों ना हो? वक्त निकल जाने पे परेशानी हो जाती है बेटा। बुआ मैं शादी करूंगी लेकिन उस लड़की से जिसे मैं जान लू पहचान लू पसंद करूं, कम से कम ये तो पता चले कि हम दोनों में तालमेल है या नहीं, तभी मैं उस लड़के से शादी करूंगी। उस तरह से नहीं जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं कैसे चाहती हूँ? आप यही चाहती हैं कि मैं सज धज के एक जापानी गुड़िया की तरह उनके सामने आके बैठ जाऊं, फिर वो लोग आकर मुझे पसंद या ना पसंद करें। और वो प्लीज, जब आप जानती हैं मैं शादी के लिए ना कहने वाली हूँ, आपने उन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? ये सोचकर कि शायद उनसे मिलने के बाद तुम अपना फैसला बदल दो। मैं अपना फैसला क्यों बदलूंगी? क्योंकि तुषार एक अच्छा लड़का है, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, नाम को भी ऐड नहीं है उसमें, अच्छे खानदान का है, और फिर तुम्हारी कुंडलियां भी तो मिलती हैं आपस में। कुंडलियां मिल जाने से क्या मन भी मिल जाते हैं? तो क्या जिंदगी भर इंतजार करती रहोगी मन की मीत का? जब मिलना होगा तब खुद बखुद टकरा जाएगा, लेकिन किसी अनजान से मैं जिंदगी भर का नाता नहीं जोड़ूंगी। बेटे जान पहचान मिलने से बढ़ती है, तुम एक बार मिलकर तो देखो उनसे। जब मैं जानती हूँ मेरा जवाब ना होगा तो मैं क्यों मिलूं उनसे? क्या? नमस्ते बहन जी। हम लोग तो बस हमने सब कुछ सुन लिया। देखिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं पर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। जरूरत देखो उस लड़की की, जरूरत देखो हमारे मुंह पे उसने साफ इनकार कर दिया। छोड़िए भी ना डैड, कितनी बार अब एक ही बात दोहराओगे? हर इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का हक होता है। हक है, मैं कहा ना करता हूँ जीवन साथी चुनने का हक है, लेकिन हमारी बेइज्जती करने का उसे कोई हक नहीं। और तुम क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसने जो कहा सही कहा। अब क्या हुआ? पता नहीं किस्मत भी हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है। हमारी बड़ी बेटी, हमारी दीपिका आज तक कुंवारी बैठी है। राहुल को 3 साल से ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है और हमारा नचिकेत पता नहीं अपने अपाहिज हाथों से दुनिया की जंग को कैसे लड़ेगा।
ले देकर बचा एक तुषार, उसी के कंधों पर सारा बोझ है। लेकिन वो भी कब तक करेगा, कितना करेगा वो? एक ना एक दिन इस बोझ से उसके कंधे झुक जाएंगे। रक्षा पराठे जी, पराठे खाओ। जी अभी रखना चाहिए। राजन पुत्र, क्या हुआ? कल तुम तुषार के लिए लड़की देखने गए थे, पसंद आई लड़की? वो बाबूजी, बाबूजी उन लोगों ने मना कर दिया, वो लड़की अभी शादी नहीं करना चाहती। बुरा मत मानना रक्षा, लेकिन जाने से पहले ये तो मालूम कर लिया होता कि लड़की शादी के लिए तैयार है भी कि नहीं। अब हमें ही देख लो, हमने खुशी के बारे में सारी मालूमात की, तो जब रिश्ता लेके गए झट से तय हो गया। अब जो हो गया पुत्र जी सो हो गया, जो बीत गया उसके बारे में भूल जाओ और आने वाले कल का सोचो। बिल्कुल ठीक कहा आपने माऊजी, लेकिन अगर बीता हुआ कल बार बार आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या करें दादाजी? वैसे मेरा रिश्ता नहीं हुआ और अब तुषार का, ऐसा लगता है किस्मत का यही फैसला है कि एक की झोली में सुख ही सुख है और दूसरे की झोली में दुख ही दुख। दीपिका पुत्र, एक बात अपने दादा की हमेशा याद रखना, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। उम्मीद से ही इंसान जिंदा है और उम्मीद से ही वो अपनी मंजिल में कामयाब होता है। देख लेना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दीपिका ठीक ही कहती है, किस्मत कब कहां किसके साथ क्या खेल खेल ले कोई नहीं जानता। भैरव, मैंने अपनी जायदाद अपने तीनों बेटों में बराबर बांटी थी, रमन ने उस बिजनेस में लगाकर तिकना चौगुना कर लिया, विक्रम ने अपनी जायदाद बेचकर उस पैसे से सरकारी बॉन्ड और शेयर खरीद लिए, लेकिन राजन उसने नासमझी में गलत बिजनेस में पैसा लगाकर अपनी सारी पूंजी गंवा ली। Come on, खुशी, this is your रोके की सेरेमनी, you should look your best. श्रुति, ये अच्छी ड्रेस है ना? ये इसे क्या हुआ? पता नहीं। अरे श्रुति क्या हुआ? कुछ नहीं, इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं हुआ। हमें बताओ वरना हम सारा दिन टेंशन में रहेंगे। एक्चुअली कल बुआ जी मेरे लिए एक रिश्ता लाई थी और जिद करी है कि मैं लड़के से मिल लूं। अच्छा, और बुआ जी की आज्ञाकारी भतीजी तू जरूर उस लड़के से मिली होगी है ना? नहीं बाबा, मैं और बुआ जी इसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, इतने में लड़का अपने मम्मी डैडी के साथ में आ गया। मैं गुस्से में थी, मैंने उसे गुस्से में कह दिया उसके मुंह पर ही कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। That's it. क्यों ही जी? पर बुआ जी मुझसे बहुत नाराज है, बात ही नहीं कर रही। मम्मी डैडी के डेथ के बाद बुआ जी ने मेरी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी, मेरी सारी जरूरतों को खुद को तकलीफ देकर भी पूरा किया। मैं बुआ से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें कोई दुख नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। ओहो, और क्योंकि तुम किसी लड़के को अपने पास तक भटकने नहीं देती हो, उसे अच्छी तरह से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? Shut up, संजना। चले खुशी बेटा, क्या कर रही हो तुम तीनों? जल्दी तैयार हो जाओ वरना लड़के वालों के यहाँ जाने में देर हो जाएगी। मम्मी हम क्या करें, ये संजना और श्रुति की वजह से हमें देर हो रही है, पिछले एक घंटे से हमें बता ही नहीं पा रही है कि हम कौन सी ड्रेस पहने। हे राम, ये लड़कियां हैं या आफत की पुड़िया? दो मिनट में तैयार होना वरना। नमस्ते, आइए आइए। अब बेटा मैं तुम्हें सबसे मिला दू, ये है विशाल के दादाजी। जीते बाबूजी,
ऐगी साड़ी नू खुशी तू तो ना हो पुतो फल ते ऐसा ही समझे आज बड़ा खुशी का दिन है अच्छा वाहे गुरु की कृपा नाल खुशी साडे घर आई ये लो जी कर देना खाच वंड देना जी बाजी खुशी ये है विशाल के बड़े चाचा चाची और वो है छोटे चाचे चाची अरे अच्छा अंदर होंगे बाद में मिलवा दूंगे ये है नचिकेत योगेश निहारिका राहुल दीपिका और ये है मेरी छोटी बेटी रचना विशाल को तो जानते है ना आओ बैठो आओ बैठो 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 आइए देखा जी बेटा कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दो जी दादी बाबूजी आज अगर खुशी के पिताजी जिंदा होते तो वो भी यही कहते रमन भाई साहब नीलम जी हमें आपका बेटा विशाल अपनी बेटी खुशी के लिए पसंद है और आज आप सबकी मौजूदगी में हम विशाल को अपनी बेटी के लिए रोकते हैं